हेलो और नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संजू और लर्न इंग्लिश विद संजू में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप अच्छे हो। आज मैं हाउसवाइफ्स के बारे में बात कर रही हूं अपने वीडियो में। हिंदी में जिसे गृहिणी कहा जाता है, गृह शोभा कहा जाता है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 49% वुमेन है और उसमें से 31% पॉपुलेशन जो है वो है हाउसवाइफ्स का, बाकी का 18% जो है वर्किंग वुमेन का है। अमेरिका में भी देखिए, पहले उनका परसेंटेज 22% था और 22-23%, और अब वो बढ़ गया है 67% से और हो गई है हाउसवाइफ की पॉपुलेशन 29%। इंक्रीज हुआ है, मतलब है कि औरतों को हाउसवाइफ बनना पसंद आने लगा है या पसंद है। हमारी तो संस्कृति में ही जुड़ा है, औरतें घर संभालती हैं और आदमी पैसे कमाते हैं। इसी बात को सब लोग पीढ़ियों से चलाते आए हैं कि औरतें घर का संभाले और आदमी जो है घर की सारी जरूरतें पूरी करें अपने पैसे से। इसका एक मतलब ये हो गया, घर मतलब हाउस वाइफ, होम मेकर, और आदमी का हो गया मनी मेकर। जो वर्किंग वुमेन है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी फ्री है, वो दे हैव एन इनकम। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भी हाउसवाइफ का काम नहीं करती। ऑफिस से आने के बाद काफी देर हो चुकी रहती है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ खाना बनाती है, सबको खिलाती है। तो एक तरह से थोड़ा बहुत हाउसवाइफ की का काम या जिम्मेदारी वो भी करती है, उस हिसाब से परसेंटेज बढ़ जाएगा हाउसवाइफ कैटेगरी में। एक चीज जो मुझे हाउसवाइफ होने में बहुत पसंद है वो ये, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे हाउसवाइफ के काम में उतनी दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए मेरा बहुत सम्मान है। उनकी कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर का छोटा सा छोटा काम करती हैं, पैसे जोड़ के रखना, पैसे संभाल के रखना, संभाल के खर्च करना, फिर किस चीज़ों पे पैसा खर्च करना ठीक है, किस पे नहीं है, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना।